आज गोड्डा के बसंतराय प्रखंड कार्यालय में स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य मेले में हर एक प्रकार के स्टॉल लगाए गए। अलग अलग बीमारियों के लिए हर एक स्टॉल पर अलग अलग डॉक्टर भी स्वास्थ्य मेले में मौजूद रहे। लेकिन इस बड़े स्वास्थ्य मेले में कहीं भी आज मरीजों की भीड़ नहीं देखी गई। वहीं बसंतराय के जिला परिषद अरशद वहाब ने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन काफी बेहतरीन किया गया था, लेकिन क्या फायदा, इसका अच्छे से प्रचार प्रसार नहीं किया गया और लोगों को इस स्वास्थ्य मेले की जानकारी तक भी नहीं थी कि यहाँ क्या हो रहा है। ऐसे में यह भव्य आयोजन मात्र एक खाना पूर्ति दिख रही है। बता दें कि बसंतराय प्रखंड के स्वास्थ्य केंद्र में समुचित व्यवस्था ना होने की वजह से मरीजों को पथरगामा अस्पताल आना पड़ता है। ऐसे में अगर लोगों को इस स्वास्थ्य मेले की जानकारी होती तो लोग अधिक से अधिक इसका लाभ उठा पाते। ये प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन जो कि प्रत्येक प्रखंड में होना है, वही आज बसंतराय प्रखंड में हो रहा है। उसी सिलसिले में हम लोग भी यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर आपने भी देखा होगा काउंटर लगे हुए हैं हर तरह के। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि स्वास्थ्य मेला लगा है, लेकिन स्वास्थ्य मेला का मतलब होता है भीड़, लेकिन कहाँ देख रहे हैं, जितना भी देख रहे हैं तो सब स्टाफ ही दिख रहे हैं, आखिर कारण क्या है? नहीं, भीड़ तो है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा प्रचार प्रचार में कमी हुई होगी शायद, और मुझे लगता है कि जानकारी नहीं, हम जनप्रतिनिधियों को भी जानकारी देना भूल गए थे लोग। अच्छा, तो आपको भी जानकारी नहीं मिली थी? जी जी, मतलब ये हमने सुबह में कॉल किया। आप जिला परिषद हो गया और आपको अगर जानकारी नहीं मिलती है तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे जो पब्लिक है उनको कितना जानकारी मिली होगी। हाँ, इस बात के लिए हमने कहा भी प्रभारी को कि ये गलती पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होनी चाहिए जी, तो वापस से, तो उन्होंने कहा नहीं सर, हम लोगों ने कहा था यहाँ के जो स्टाफ हैं और वो लोग ये जो विश्वकर्मा पूजा था शायद उसमें थोड़ा बिजी हो गए, नहीं कर पाए और लेटर नहीं बना पाए थे, इस वजह से उन्होंने गलती को स्वीकार किया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं इन सबकी विफलता है, जानकारी देनी चाहिए, और जब हम जैसे लोगों को जानकारी नहीं होगी तो फिर हम अपने पब्लिक को कैसे बताएंगे जी, और पहले तो उन सबको भी प्रचार करना चाहिए था जी। तो प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा हो तभी पब्लिक आएंगे। यहाँ पर मैंने देखा कि दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा है, आप भी देखेंगे काउंटर पर हर तरह की लगभग दवाइयाँ हैं और बहुत सारे काउंटर लगे हुए हैं लेकिन काउंटर पर लोग नहीं है। हाँ, काउंटर पर लोगों की कमी है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर आ जाने के बाद मैंने फेसबुक के माध्यम से अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी दी है। सर, अभी जैसे कि दो जनप्रतिनिधि से मेरी बात हुई, उनका कहना हुआ कि मतलब पब्लिक कम होने का कारण है कि हम लोगों को जब जानकारी नहीं हुई तो आम पब्लिक कैसे आ पाएगी? नहीं, जानकारी तो हमने सबको दिया ही है जी, बस ये हो सकता है लेट हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, और पब्लिक तो आ रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं, भीड़ लगा हुआ है जी। ऐसा नहीं कि भीड़ नहीं है नहीं, अभी तक जो अभी आप आए हैं हमारे काउंटर में? नहीं सर, हम 10 बजे ही आए हैं। हाँ, तो अभी जो अभी 10 नहीं बज रहा है, अभी तो हमारा 66% देख चुके हैं जी जी, 66% हमारा दवाई लेके जा चुका है, 50 तो हमारा ब्लड शुगर जांच करवाने आए हैं, बीपी जांच करवाने आए हैं, उसको सुविधा ले ही रहे हैं। सर, प्रखंड में कमोबेश लगभग 80 से 81 गाँव हैं, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो सर भीड़ होना चाहिए और लोग आना भी चाहिए। क्या है कि स्वास्थ्य मेला लगाएं, बहुत बढ़िया पहल है सरकार की तरफ से, आप लोग मेहनत भी करें, लेकिन उस हिसाब से जो यहाँ पे लोग आना चाहिए सर, उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि कम आए। प्रचार प्रसार करवाए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करवाए हैं, घर घर जाके तो हमारा जो प्रचार गाड़ी है जी जी, वो तो हम किए ही हैं। बिल्कुल ठीक है सर, क्या नाम है सर? डॉक्टर रवि कुमार। थैंक यू। क्या आप भी बेहतर माइलेज के साथ स्मार्ट लुक की बाइक लेना चाहते हैं? क्या आप मिनिमम डाउन पेमेंट के साथ आसान किस्तों में बाइक लेना चाहते हैं? तो आपके लिए है खुशखबरी। जी हाँ, आपके शहर मागामा में खुल चुका है यामाहा का न्यू हीरा मोटर शोरूम, जहाँ आपको यामाहा की बाइक मात्र 40,000 रूपए में आसान किस्तों के साथ मिल रही है, और यामाहा की स्कूटी मात्र 30,000 रूपए में आसान किस्तों के साथ आप अपने घर ले जा सकते हैं। तो अब आपका सपना नहीं रहेगा अधूरा, आज ही पहुँचे और अपनी पसंदीदा यामाहा की बाइक्स को विजिट करें। हमारा पता है केचवा चौक, ललमटिया रोड, महागामा, हीरा मोटर्स। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।